Thank you.
जाओ सजाद को शो
Shit, Papa, you're too loud.
है कि क्या कहेंगे, एक एक कदम पर सोचते थे सिकते
कब्र को खोदा, लाश को कब्र में रखा। मेरे बच्चे, तू तो कब्र में और अच्छा लग रहा है। मिट्टी डाल दी हुसैन ने, कब्र को बंद कर दिया। दस्तूर ये है कि कब्र पर पानी छिड़का जाता है। हुसैन पानी कहां से लाए, रुखसार पोंछ करके कब्र पर रखा। इस मंजिल को मैं न समझा सकता हूँ, ना आप समझ सकते हैं। एक छोटा सा वाकया सुन ले और उसी का मजलिस तमाम हो जाएगी। और जब याद आए तो रो लेना। यहाँ पढ़े लिखे लोग भी बैठे हुए हैं। एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे तारीख के शिला। जल्दी जल्दी सुनिए, एक मिनट में। तारीख के शिया प्रोफेसर थे। जब मुहर्रम आता था तो वो कर्बला के वाकयात को तारीख की हैसियत दे के बयान करते थे। मसायब का पहलू नहीं लाना चाहते थे, लेकिन मुमकिन कहा है कोई कर्बला बयान करे और मसायब ना हो। अक्सर उनकी आंखों से आंसू जारी होते थे। एक दिन क्या देखा, एक दूसरा प्रोफेसर साइकोलॉजी का, नफ्सियात का प्रोफेसर सामने से गुजर रहा था। उसने इनके चेहरे को देखा, इनके आंखों में आंसू थे। क्लास के अंदर आया, कहता मीर साहब क्यों रो रहे हैं। कोई बात नहीं है, कहा मैंने इससे पहले भी आपको रोते देखा, लेकिन मैंने अवॉइड किया। मैंने तरह दी, आज आपको बताना होगा क्यों रो रहे हैं। तो जल्दी मेरे अजीजों, कहते सुनिए, मेरे एक सवाल का आप जवाब दे दें। कहा सवाल क्या है। कहा एक इंसान है जिसकी उम्र 57 वर्ष की है। के लिए कर रहा चले
आएगा। नमाज जोहर पढ़ चुकी, नमाज जोहर के पढ़ने वाले भी चले गए। ऐसे वफादार किसी को नहीं मिले जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। यजीदी फौज ने मोहलत नहीं दी, मेरे आका ने नमाज का इरादा किया। जुहैर ने कैन सामने आ गए, जनाब सईद सामने आ गए, आका आप नमाज पढ़िए, हम आप तक तीर आने नहीं देंगे। रवायत कहते हैं जब तीर आता था तो कभी जो है अपने सीने पर रोकते थे और कभी जो है जनाब शहीद अपने सीने पर तीर रोकते थे। मेरे मौला के तीर नहीं लगा, कितने वफादार थे। लेकिन जब असर का टाइम आया तो कोई नहीं था, जब तीर लगता था तो फरमाते थे जो है अरे मेरे वफादार साथी कहाँ गए, तुमने तो अपने सीने को तीर का निशाना बनाया, अब तो ये सारे हथियार सब तीर मेरे तरफ जो है रिहा कर रहे हैं। कहाँ गए वफादारों, चले गए इमाम को तनहा छोड़ के चले गए। कहा तो 70,000 मरतबा जिलाया जाऊं मारा जाऊं मौला दामन नहीं छोड़ूंगा, आज मेरे साथी जब चले गए खेमे सारी हो गए। असहाब के खेमों में कोई बाकी नहीं है, बनी हाशिम के खेमे जो है खाली नजर आ रहे हैं। मेरा इमाम खेमे के दरवाजे पर आया, यजीदी फौज आगे आ गई। अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम ने जो खत भेजा था उस खत के आगे यजीदी फौज आ गई। बीवियां खेमे में कोहराम बरपा किए हुए हैं, शहीदों की लाशें सामने रखी हुई। मेरे मजलूम ने यह मंजर देखा और देखने के बाद दिल बेचैन हुआ। फरमाते हैं या अब तारा सफा या फुरसान है या ये मेरे जंगजू बहादुरो, ये मेरे शेरो, तुम्हारा इमाम तुमको पुकार रहा है। अय्युहल कराम, अरे इज्जतदारो उठो, शहीद का खेमा जलने जा रहा है। ये मेरे वफादारो, बीवियों के शरों से चादरें छीनने जा रही हैं। कौन इन्याम, तुम्हें करबला के जंगल में नींद आ गई है, अरे उठो और खेमे की हिफाजत करो। मेरे वफादारों, तुम तो दौड़ के आते थे, लबैक कहते हुए आते होते, अब तुम्हारा हुसैन पुकार रहा है और कोई जवाब नहीं दे रहा है। अरे सुनिएगा, कटी हुई गर्दनों से आवाज आ रही थी, ये मेरे मौला, मौत ने हमें मजबूर कर दिया है, अगर जिंदा किया जाऊं तो मदद के लिए मैं तैयार हूँ। मेरा मौला आया खेमे के दरवाजे पर, जब आया तो फरमाता मैं कदी में रैया जवाबी, मेरा घोड़ा लाने वाला कोई नहीं रहा, भैया पास बड़ी इज्जत से सवार किया था। मेरे लाल अली अकबर, तुमने रिकाब थामी थी, अब न कोई सवार करने वाला है और न कोई सुलझना लाने वाला है, मैं युकदी में रैया जवाबी, मेरा घोड़ा कौन आगे ले आएगा। जनाब जैनब फरमाती भैया अगर आप पास नहीं है तो जैनब सवार करेगी। अरे कितनी बेकसी थी मेरे मौला के लिए कि जब जनाब जैनब घोड़ा ले आई, फिर मां जाए सवार हो जाओ। मजलूम इमाम सवार हुए, मेरे नाना की सवारी, ये
تجھے کربلا تک لے آیا اب تجھے زحمت نہیں دوں گا، صرف مجھے قتل گاہ پہنچا دے، وہ میری قتل گاہ ہے۔ لیکن زلجنا جو ہے منہ گھما کے مولا کو دیکھ کے رو رہا ہے۔ مولا نے بتایا، کیا تو بھی ساتھ چھوڑنے والا ہے؟ جوان بیٹے نے ساتھ کر لیا، اے میری سواری، اپنا حسین رہ گیا ہے، اب تجھے زیادہ زحمت نہیں ہوگی۔ منہ گھما کے مولا کو دیکھ کے رو رہا ہے، آنسو گر رہا ہے۔ مولا نے فرمایا، کیوں اتنا رو رہا ہے؟ آگے بڑھ، زلجنا آگے نہیں بڑھا ہے۔ صاحبان اولاد، کیا منظر تھا! سکینہ آئی، گھوڑے کے پیر سے لپٹ گئی۔ ارے زلجنا، بابا کو نہ لے جا، جو میدان میں گیا بابا لے جا۔ اللہ ہو جبر، مجھوم نام نے دیکھا بچی گھوڑے کے پیر سے لپٹی ہوئی ہے، اترے سکینہ کو کلیجے سے لگایا۔ بابا جا رہی ہیں؟ کہا بیٹی، بجا رہا ہوں۔ کہا اے بابا، جب جن چچا مسلم کے شہادت کی خبر آئی اور آپ نے حمیدہ کو بلایا اور بلا کے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اے بابا ایسے یتیموں کی طرح میرے سر پر بھی ہاتھ پھیر دیجیے۔ حرام مل گیا جب مجروں کی رام اپنی ننی بچی کو سمجھا رہے تھے۔ ننی بچی نے دیکھا کہ بابا میرے کہنے سے رک نہیں رہے ہیں، اپنی بہن فاطمہ کبریٰ کو بلایا، اے بہن آؤ، دونوں بہن مل کے بابا کو روک لیں۔ اور ایسا منظر تھا جب جب دونوں بیٹیاں باپ کے دامن سے لپٹی تھی، مجنون امام سمجھا رہے تھے، کیمرے میں روکے کی آواز بلند ہو رہی تھی، روتا ہوا گھر چھوڑ کے مارا قتلگاہ کی طرف گئے۔ جنگیں ہوئیں، جنگ کرتے کرتے کسی عالم میں کسی نے آ کے سلام کیا، ارے میرے مولا نے جواب دیا، ارے تو کون ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے؟ کربلا میں مجھے کوئی قابل سلام نہیں سمجھتا۔ کہنے لگا، اے میرے آقا، میں مدینے سے آیا ہوں، اے اولاد والو، مدینے کا نام سنا، کیا خبر لے کے آیا ہے؟ اے میرے مولا، بیمار بیٹی آپ کی مدینے میں تڑپ رہی ہے اور اس نے یہ خط دیا ہے۔ مظلوم امام نے اس خط کو لیا اور پڑھنے کے بعد خیمے کے دروازے پر پہنچے، اے میری بہن جناب، سمرہ کا خط آیا ہے، اللہ اکبر، کو حرام من جاتا ہے۔ وہ خط لے کے مولا، بھیا پاس بھتیجی کا خط آیا ہے، بیٹا علی اکبر، بہن کا خط آیا ہے، ارے یہ پیغام جو ہے بہن نے دیا ہے۔ اللہ اکبر، زمین رو رہی تھی، آسمان رو رہا تھا، کسی اثنا میں ایک شقی نے ایسا وار دیا، اللہ اکبر، کہ مجنون نام کے پیشانی رنگین ہو گئی۔ اب اٹھا کیا خون صاف کرنا چاہتے تھے، ایک شقی نے دل کو نشانہ بنایا، کلیجے پر تیر مارا، مجنون امام اس کو نکال نہ سکے، پیچھے سے نکالے، یہ حسین کا رکو تھا۔ اس کے بعد گھوڑے پر ڈگمگانے آنے لگے، مجنون امام کے ہاتھ سے لجام چھوڑ گئی۔ جب لجام چھوڑ گئی تو زمین پر گرنا چاہتے تھے، وفادار جانور تھا، گھٹنوں کو ٹیک دیا، میرا مولا بلندی سے نہ گرے، جب میرے مولا گرے تو تیروں پر معلق رہے۔ ارے باپ، آدم تھوڑا تھا، منہ سے اپنے تیر نکال رہا تھا اور دشمنوں کو دور کر رہا تھا، جب زلجنا نے دیکھا کہ میں مولا کو بچا نہیں سکتا، ارے طواف کر رہا تھا، رو رہا تھا، قریب آیا، مجنون امام کے قریب آیا، اپنے منہ سے لجام
पर रोता हुआ खेमे की तरफ चला। किसी ने कहा सकीना तो चले वादे दो बहर रंग को लता कोई की जो थामे रखा दे तो हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को सकीना झाड़ रही थी नासरा का कोई शाहिर करबलाई को फकत बहन ने किया था सवार भाई को सोगवारों मातमदारों वक्त आ गया फातिमा का लाल मख्तले करबला में हुसैन की तन्हाई को मीर अनीस ने सरदार से बयान किया। अब्बास मर गए अली अकबर जुदा हुआ हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। अब्बास मर गए अली अकबर जुदा हुआ हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। फातिमा का लाल बिल्कुल तन्हाई के आलम में जनाजे उठा चुका और हुसैन खैमे के दर पर है। कौन है जो हुसैन को सवार करे। गरीब बहन ने आगे बढ़ के आवाज दी, भैया घबराना नहीं, आज ज़ैनब अब्बास के फराइज अंजाम देगी। सोगवारों ज़ैनब ने हुसैन को रहवार पर सवार तो किया, रहवार चला मगर दो मंजिलों पर रुका। एक मंजिल को कि जहां रहवार के सुनों से चार बरस की बेटी सुनों से लिपट के फरियाद कर हुसैन रहवार से उतर आए, बेटी तुमने तो रुख्सत कर दिया था। सकीना कहती, बाबा आखिरी बार अपने सीने से लगा लीजिए, बस आखिरी बार अपने सीने से लगा लीजिए, उसके बाद आपको ज़हमत करूंगी। जमीन पर लेट गए और सकीना आखिरी बार मेरे सीने से लग जाओ। सकीना बीवी हुसैन के सीने पर और एक मर्तबा सकीना कहती, बाबा क्या आप हमको मदीना नहीं पहुंचा सकते। कितनी तमन्ना है इस बच्ची को वतन जाने की, बाबा क्या आप हमें मदीना नहीं पहुंचा सकते। हुसैन ने कहा, बेटी काश मुमकिन होता। और उसके बाद सकीना से मौला हुसैन ने फिजला था, दिल फट जाता है। अब तो रोजे आशूर आ गया, यही मंजर था, यही वक्त था, अब कुछ बयान करने की जरूरत नहीं है। हर मसायब है, हर आंखें नम है, अब हम नसीब बीवी भी रुमाल लेके आ गई है और आवाज तेरी जजा कर ला मेरे लाल के मातम दारो। खुदा तुम्हें मौला हुसैन ने, मैं मफहूम अदा कर रहा हूँ रवायतों का, मौला हुसैन ने कम से बच्ची के सर पर हाथ रखे, एक कयामत का फितरा था। साहिबान औलाद सुन सको तो सुन लेना, हुसैन ने सकीना के सर पर हाथ रखा, ए बेटी बाबा को जाने दो।
Ha ha ha.